भैया रो राम राम। नमस्कार नमस्कार, सब जनन को राम राम पहुंच पे। कैसे हो आप सब जने? सब जनन को राम राम पहुंच पे। बुंदेली बौछार पे बड़ी खबर खजुराहो से। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से बहुत बड़ी खबर आ गई है और पुष्ट खबर आ गई है। पूरी जानकारी के संग हम आपको बता रहे हैं कि दीप नारायण यादव की पत्नी मीरा यादव को नामांकन निरस्त कर दो गो है। जी हाँ, नामांकन निरस्त हो गया है। दीप नारायण यादव की पत्नी मीरा यादव को खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हती मीरा यादव और उनको नामांकन निरस्त कर दो गो है। दरअसल 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने नामांकन करे तो, और उसके बाद नामांकन करे तो मीरा यादव ने 4 तारीख को यानी कि कल, और ई के बाद उनके नामांकन की पूरी के पूरी नामांकन पत्र की जांच करी गई और कछु आपत्तियां आई, और जो आपत्तियां आई उसके बाद आज कलेक्टर ने उनको पक्ष भी अभी तनक देर पहले सुने और उसके बाद उनको नामांकन निरस्त कर दो गो है। कौन कौन सी आपत्तियां आई भी हम आपको बता रहे हैं और पूरी की पूरी सियासत की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कछु जगह साइन नहीं करे गए थे मीरा यादव के द्वारा, कागजों पे कछु जगह साइन छूटे थे और साइन छूटवे के संगे ही संगे एक जो महत्वपूर्ण बात जा है कि इतने विधानसभा की जो मतदाता सूची की सर्टिफाइड कॉपी उनके द्वारा लगाई गई थी, विधानसभा की मतदाता सूची की सर्टिफाइड कॉपी लगाई गई थी, और जबकि लगाई जाने थी पूरी लोकसभा की लगाई जाने थी। सो लोकसभा के जो पूरे मतदाता सूची है वह सर्टिफाइड कॉपी मिसिंग हती और इके संगे कई जगह साइन भी नहीं हते, और इके बाद आपत्ति आई। आपत्ति के बाद काफी देर तक जब कलेक्टर जो है पहुंचे उनसे बंद कमरा में बातचीत भई, अपनो पक्ष रखेगा है, और पक्ष रखने के बाद आखिरकार जो है कलेक्टर ने उनको पूरी जानकारी दी और उनको बताई कि जो जो मामला है ई के तहत आपको जो है नामांकन निरस्त करेगा है और उनको नामांकन निरस्त कर दोगा है। अब कुल मिला के इंडिया गठबंधन को कोनो भी प्रत्याशी खजुराहो सीट पर चुनाव नहीं लड़े। अब अभी बाकी कछु जो है उम्मीदवार हैं और उन उम्मीदवारों को नाम वापसी के लाने कल तक को समय है, तो कल तक ई पे का निर्णय होता आगे जो भी तय हुई है, और ई के पूरे खबर पे और विस्तार से जानकारी के संगे कछु देर में हम आपके संगे फिर हाजिर हुई है। फिलहाल जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको बता देवे कि मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को गठबंधन अब चुनाव नहीं लड़ पे। मीरा यादव दीप नारायण यादव को जो नामांकन है वो निरस्त कर दो गो है, और निरस्त कर दो गो है नामांकन, और बाकायदा दीप नारायण यादव को और मीरा यादव को इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। काहे के कछु जगह पे साइन नहीं हते, जो नामांकन पत्र है उसे साइन नहीं हते, और साइन के संगे कछु जगह पे मतदाता सूची लोकसभा की जो मतदाता सूची होते बा एक सर्टिफाइड कॉपी जमा करी जा, बा सर्टिफाइड कॉपी इनके द्वारा जमा नहीं करी गई। ये 2 कारण है जी आधार पे मीरा यादव को नामांकन निरस्त कर दो गो है। अब मीरा यादव चुनाव नहीं लड़ पे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से कोई व्यक्ति खजुराहो से चुनाव नहीं लड़ पे। बसपा समेत कछु और प्रत्याशी अभी मैदान में है। अब देखने जो ही है कि कल तक को समय है, कल नाम वापसी के दिन है, सो अब का चुनाव ऐसो ना हो कछु निर्विरोध जैसी कोई स्थिति ना बन जावे, जो भी देखने पड़े और चुनाव हुई है तो की प्रकार को हुई है। फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जो गठबंधन है वो अब खजुराहो के चुनाव से बाहर होगा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी और 1 सीट पे जो है चुनाव लड़ रही थी समाजवादी पार्टी। सो 2 ही जने जो है चुनाव संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, और ई के बाद अब 1 सीट जो समाजवादी पार्टी को दी गई थी उतने से पहले समाजवादी पार्टी ने मनोज यादव को प्रत्याशी बनाओ तो, और उसके बाद फिर प्रत्याशी जो है एक ही दिन में टिकट बदल के बना होगा तो मीरा यादव को, लेकिन मीरा यादव के नामांकन में खामियां पाई गई और कई जगह साइन नहीं हती, और साइन के संगे जो मतदाता सूची लोकसभा की सर्टिफाइड जमा नहीं करी गई, यही वजह से जा स्थिति बनी। पूरे दीप नारायण यादव को ये पूरे मसला पे का क्या भाव है, ई पे बाकी और का प्रतिक्रिया है, की तरीके से और घटनाक्रम भाव कछु देर में आपके संगे विस्तार से लाइव पे जुड़े बुंदेली बौछार पे, और अगले 15 मिनट बाद आपको पूरी विस्तार से जानकारी के संगे और आपसे जुड़े। और अब की बस खबर जाए कि दीप नारायण यादव की पत्नी मीरा यादव को नामांकन निरस्त हो गया है, वे खजुराहो से चुनाव नहीं लड़ पे। राम राम।